अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोनाल्डो के बारे में। आपको पता है कि आजकल वो चर्चों में हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, और जैसे ही उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया तो उनके जो सब्सक्राइबर्स थे वो बूस्ट कर गए और वो 30 मिलियन से भी इस टाइम 40 मिलियन के आसपास हो रहे हैं। और लगा ले कि जिस तरह से कोई बंदा नया चैनल खोलता है वो अपने रिश्तेदारों को कहता है यार एक सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो, तो इस तरह से उनको मिलियंस में डेली बेसिस पे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि उनको इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स क्यों मिले और अगर एक आम बंदा यूट्यूब स्टार्ट करता है तो उसके लिए ये कितना मुश्किल है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, आप देखो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि रोनाल्डो ने एक दिन पहले अपना चैनल स्टार्ट किया और आज की तारीख में उनके 40 मिलियन के पास जो है ना वो सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मीन्स के दो दिनों में उन्होंने 40 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स हैं गेन कर लिए और कुछ भी वीडियोस नहीं डाली है, सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि जी मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया है तो मुझे सब्सक्राइब करें, या वो प्ले बटन के बारे में जो कि यूट्यूब ने सारे के सारे उनको शायद चैनल खोलने से पहले ही भेज दिए। तो एक आम बंदे के लिए ये कितना मुश्किल है और रोनाल्डो ने ये कैसे गेन कर लिए। देखिए अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप काफ़ी मजबूत हैं, आपकी पकड़ है, मींस के जैसे रोनाल्डो की बात की जाए तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत मजबूत है कि 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अगर अब इन्होंने अपने फॉलोअर्स को जैसे ही बोला उनमें से बहुत से मतलब अभी सारे के सारे फॉलोअर्स इनके नहीं आए, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैं इनको पसंद करता हूँ तो मैंने इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा हो, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा तो उन्होंने फौरी तौर पे इनको जाके सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया यूट्यूब चैनल पे और एक बूस्ट दिया, बहुत बड़ा बूस्ट। ठीक है, इसीलिए आज जो रोनाल्डो हैं उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए और अब ये बढ़ते जाएंगे। अगर रोनाल्डो यूट्यूब पे कुछ भी डालते रहे तो ये लाजमी बात है क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर कहा जाए कि ये एक दुनिया की सबसे फेमस पर्सनैलिटी हैं तो इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक आम बंदा इतने सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है अगर तो उसकी किसी दूसरे सोशल नेटवर्क पे काफ़ी ग्रोथ है, उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं जो उसको लाइक करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो जैसे ही वो उसको उनको बोलेगा कि जी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो चलिए आए यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करें, तो उसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल न्यूली है, उसका किसी सोशल मीडिया पे पकड़ नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये पूरी ज़िंदगी में भी हासिल करना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो उन्होंने दो दिन में हासिल कर लिया। तो ये जो है ये रोनाल्डो ही कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे के लिए नामुमकिन है। आपको पता होगा कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स गेन करने की इतनी तेज़ी के साथ सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, मतलब अभी तक कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है जिसने दो दिन में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन कर लिए हो जितने कि रोनाल्डो ने कर लिए। तो किसी आम बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल है, या फिर जिसको अल्लाह दे वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड ये छोटी सी वीडियोस थी आपके लिए। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।